उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिशन राम के बाद अब मिशन श्याम पर जुट गई है और इसी के तहत योगी सरकार ने वृंदावन और बरसाना को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। तीर्थ स्थल की घोषणा के साथ ही सरकार ने इन दोनों जगहों के विकास का भी रोडमैप तैयार किया है। सरकार के इस फैसले से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु भी खुश हैं। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए जाना जाता है वृंदावन। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े सैकड़ों स्थल हैं। वृंदावन के नजदीक ही है बरसाना, जो श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राधा की जन्मस्थली है। इन दोनों ही पवित्र शहरों को देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण से जुड़े वृंदावन और बरसाना की सूरत बदलने वाली है, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने इन दोनों शहरों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार वृंदावन और बरसाना को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी तीर्थ स्थल घोषित नहीं है। दोनों शहरों को तीर्थ स्थल का दर्जा देने के साथ ही सरकार ने यहाँ मांसाहार और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। जो भी श्रद्धालु वृंदावन बरसाना और ब्रज में आए, उनकी किसी भी धार्मिक आस्था को कोई ठेस न पहुँचे, इसलिए तीर्थ स्थल घोषित करने के बाद कोई भी मांस मछली अंडा शराब की दुकान नहीं होगी। ब्रज आने वाले श्रद्धालुओं की हमेशा से शिकायत रहती थी कि वृंदावन और बरसाना में सुविधाओं की भारी कमी है। विकास के नजरिए से भी ये काफी पिछड़ा है। टूटी सड़कों की वजह से घंटों जाम रहता है तो साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। हालांकि अब दावा है कि यहाँ विकास तेजी से होगा। वृंदावन और मथुरा के समस्त नालों को जो यमुना जी में पड़ते हैं, उन नालों को वो यमुना जी में न पड़े ट्रीटमेंट प्लांट के लिए और उन नालों को रोकने के लिए केंद्र सरकार को योजना भेजी गई थी। 350 करोड़ की योजना वो स्वीकृत हो गई है। यूपी सरकार ने वृंदावन और बरसाना की पूरी तस्वीर बदलने का प्लान बनाया है, जिसके तहत नालों के ट्रीटमेंट प्लान के लिए केंद्र से 350 करोड़ स्वीकृत हुआ है। वृंदावन और बरसाना में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होगी। सड़कों पर एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। बरसाना में जल्द बनाया जाएगा रोप वे। कुंड सरोवर का सौंदर्यकरण होगा। अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी। जाम खत्म करने के लिए बनेंगे फ्लाईओवर। पार्किंग व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। एयर कंडीशन्ड मिनी बसें चलाए जाने का भी प्लान है। बरसाना को रेलवे ट्रैक से जोड़ने की भी योजना है। इन तीर्थ स्थलों में विकास की उचित व्यवस्था के लिए एलईडी बल्ब, 24 घंटे पावर सप्लाई, बरसाना में रोपवे की स्थापना, बरसाना की परिक्रमा को पक्का कराया जाना। वृंदावन और बरसाना को तीर्थ स्थल घोषित करने से साधु संत काफी खुश हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आज की मांग नहीं है, ये शुरू से ही लोग कर रहे थे। और वृंदावन की तो बहुत ज्यादा, बरसाना भी, मैं तो कहता हूँ कि समस्त ब्रजमंडल को ही तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाए। जो संतों ने, कथाकारों ने, धर्माचार्यों ने आवाज उठाई थी, योगी जी को ज्ञापन भी दिया था कि जल्दी से जल्दी ब्रजमंडल को तीर्थ घोषित आप करें, बरसाना और वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया है। वृंदावन और बरसाना आने वाले कृष्ण भक्त और यहाँ पर्यटन का कारोबार करने वाले भी सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं। बहुत ही अच्छा हुआ कि इससे क्या है, जो दूर दूर से इतने हमारे यहाँ देखने आते हैं तो उनको बहुत सुविधाएं मिलेंगी। तीर्थयात्री और आएंगे तो मगर और व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तीर्थ घोषित होने से। साधु संत खुश हैं, श्रद्धालु खुश हैं, लेकिन योगी सरकार के इस फैसले से विपक्ष नाखुश है।